ओम शांति। 15 जनवरी, साकार मूल्य। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? उत्तर, तुम कहते हो, बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। यश बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजयी पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना? जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो, जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सत्प्रदान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूं। तुमको भी देखना है, हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपने चलन को देखना है, औरों के चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा के बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजयी पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह दे भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वहां हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से
तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ, जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, बाल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। बाह्य मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, तो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए, इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई न आए, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशुक के आशिक बनते हैं, तो उस माशुक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वो जिस्मानी आशिक माशुक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, माम एकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहा एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको देवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को यह निश्चय है,
बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारे देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, देवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़े तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरी पॉइंट, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपने चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा के भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। यह महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उससे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन, सर्व के दिल के दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप ने बीज रूप स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज का विशेष अभ्यास करके पूरे विश्व को सकाश दी, ऐसे फॉलो फादर करो, क्योंकि यह स्टेज लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होंगे तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलेगा। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.